तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पावर बीआई में डेट एंड टाइम की फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक डेटा को कनेक्ट करते हैं, डेटा ले लिया मैंने, एक डेटा यहाँ पे मैं पहले से जो रिपोर्ट है हम उसी को ओपन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। डेट, सबसे पहले आप डेट की फॉर्मेट को चेंज करना सीखें। जैसे कि आपने डेट का फंक्शन सेलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे डेट आपका है, तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ कॉलम लेबल में यहाँ पे डेटा टाइप आता है, तो इसमें आप डेट या डेट एंड टाइम दोनों ले सकते हैं। फिलहाल इसमें डेट लिया गया है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट कैसा दिखेगा, ये फॉर्मेटिंग यहाँ से डिसाइड होता है कि आपको क्या दिखना, कैसा दिखवाना है, कैसा रिपोर्ट दिखवाना है। तो हमने मान लीजिए कि इसको ले लिया, तो इस तरह से अब रिपोर्ट यहां पे दिखेगा, राइट। ये तो विजिबिलिटी की बात हो गई। अब इसमें हम बात करते हैं कि मुझे इसमें से कुछ डेट को किसी को एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करें। तो इसमें से आपने मान लीजिए आपको डे को एक्सट्रैक्ट करना है, तो न्यू कलम पे आप जाएंगे, यहाँ पे डे को लिखेंगे और इसमें डेट डाल देंगे, जो डेट सीट का डेट है हमारा, और एंटर कर देते हैं, तो डेट आ जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हम डे फॉर्मूला ही लगाएं, आप इसको इसमें से भी अलग बिना किसी फॉर्मूला के भी अलग कर सकते हैं। जैसे कि सीट का यहाँ पे आपके डेट आ गया, उसका पूछता है आपसे क्या चाहिए इसमें, इसमें आपको डे चाहिए, तो आपका डे अलग हो जाएगा। अगर आपको इसमें से मंथ चाहिए तो आप इसमें से मंथ को अलग कर सकते हैं। आपके सामने मंथ नंबर है, मंथ नंबर को सिलेक्ट कीजिए तो ये आपका मंथ भी दिखा देगा, राइट। ऐसी ईयर अलग करना है तो ईयर भी कर सकते हैं, यहीं पे ईयर भी आपका आ गया, यहां से ईयर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वार्टर अलग करना है, ईयर अलग करना है, इसको भी अलग आप कर सकते हैं। तो इसे ब्राइट कर दीजिए, लेकिन इसके लिए आपके पास डे, मंथ, ईयर तीन अलग अलग फंक्शन है, जिसको आप एक्सेल पे भी इस्तेमाल करते थे और आप इस पे भी इस्तेमाल करें। ओके, अब ओके सर। बात आती है कैलकुलेशन की। अब मुझे मान लीजिए किसी डेट में पर्टिकुलर डे ऐड करना है, हम चाहते हैं कि हम अपने डेट में कोई डे को ऐड करें, तो कैसे ऐड करेंगे। तो पर्टिकुलर डे ऐड मतलब कि इसमें 1 जनवरी है तो 20 दिन ऐड करना है हमको। तो इसमें सिंपल सा है कि आप यहाँ डेट को लें और इसमें +20 कर दें, आपके पास +20 करने के बाद जो डेट होगा वो डेट आ जाएगा। लेकिन मुझे इसमें मंथ जोड़ने हैं, मंथ हालांकि इसके लिए और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पे ई डेट का फॉर्मूला है। ई डेट में हमने यहाँ पे मंथ डाल दीजिए, डेट को सिलेक्ट कीजिए और मंथ डाल दीजिए। जितने महीने आप जोड़ेंगे उतने महीने का डेट ऐड हो जाएगा, 3 महीना जोड़ना है तो 3 महीना। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है मतलब कि माइनस करना है, तो इस 3 को आप माइनस में रख दें तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो डे जोड़ना है तो इजीली आप डे जोड़ दीजिए, अगर आपको मंथ जोड़ना है तो ई डेट लगा दीजिए। लेकिन मुझे डे, मंथ, ईयर दोनों जोड़ना है, मतलब कि मुझे 2 साल 4 महीने और 22 दिन ऐड करना है, तो हमारे पास एक डेट का फॉर्मूला होता है। जी हाँ, डेट। इसमें जैसे मैं 2020 लिखा, मंथ मैंने मान लिया यहाँ पे 5 दे दिए और यहाँ पे 4 करके एंटर मार दिया, तो रिजल्ट आपके सामने आया।
आ गया। क्लियर है? तो आप यहाँ पे जो 2020 है इसके जगह हम ईयर लगा देते हैं और ईयर लगा के हम यहाँ पे डेट को कॉल कर लेते हैं। मंथ अधूरी की फॉर्मूला ही लगा, आप डायरेक्ट यहाँ मंथ को भी कॉल कर सकते हैं। तो डेट में से हम इसमें से मंथ को नंबर में कॉल कर लेते हैं, नंबर में चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम सेम डेट को डे, हम इसमें से डे ले लेते हैं। तो मुझे क्या करना है कि 2 साल जोड़ना है। इसको क्लोज करता हूँ ब्रैकेट। हाँ, तो इस ईयर में मैं 2 साल जोड़ देता हूँ, मंथ में मुझे 4 महीने जोड़ने हैं तो 4 जोड़ दिया, और डे में हमें 22 जोड़ने हैं तो मैं इस तरह से यहाँ पे 22 ऐड, यहाँ पे प्लस 22 कर दिया तो आपका डेट यहाँ पे आ जाए। ओके, तो एकता जी, मनीष जी, समझ में आया आपको? जी सर। डाउट इसने? नो सर। चलिए आगे बढ़े इसमें। तो डेट पे इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि दो डीज बे डेट का बीच का डिफरेंस कैसे निकालें। तो नौ न्यू कॉलम पे आते हैं। मुझे अगर दो डेट के बीच में डिफरेंस इन द डे चाहिए तो यहाँ पे आई थिंक डेज नाम का फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे मुझे लेटेस्ट डेट मतलब कि डे माइनस ओल्डेस्ट डेट मतलब कि डेट लिखना होगा और फिर इसको एंटर करना होगा। एंटर कीजिए, आ गया। तो लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है? इसमें आपके सामने यहां पे नेक्स्ट डे है, जैसे हमने नेक्स्ट डे का फॉर्मूला लगाया और यहां पे मान लीजिए कि हमने टुडे या फिर जो डेट है उसी को कर लिया तो हमेशा ये नेक्स्ट डे का अगले दिन का डेट दिखाएगा। तो एक फॉर्मूला आपके सामने नेक्स्ट डे का है। ओके, हर इसमें +1 भी कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे आपको आ जाएगा। टुडे मान लीजिए हर आज से अगले दिन का चाहिए, टुडे +1 कीजिए या फिर नेक्स्ट डेट कर दीजिए कि आपका नेक्स्ट डेट आ जाता है। ओके, डेट फॉर्मूला मैंने समझाई दिया आपको, और हमने बताया था आपको कि दो डेट के बीच में डिफरेंस की बात करें तो एक्सेल की तरह इसमें कोई नेटवर्क डेज नहीं होता है कि आप दो डेट के बीच में नेटवर्क डेज में या वर्किंग डे टाइप का कोई फॉर्मूला इसमें नहीं होता है कि आप वर्क डे निकाल लें, ठीक है। हाँ, इसमें फॉर्मूला आपके सामने वीक डे का होता है। तो इसमें अगर मैंने डेट को सिलेक्ट कर लिया, इस डेट को, तो ये बताता है आपको कि ये जो डेट है हमारा, इसमें मैं 2 कर दिया, मंडे से स्टार्ट है हमारा वीक। ये बता रहे हैं वीक का कौन सा दिन है, मतलब कि मंडे को 1 करेगा, ट्यूसडे को 2 करेगा, इस तरह से नंबर्स में दे देगा। और आपके सामने एक वीक नंबर था, वो क्या करता है, ये नंबर ऑफ वीक बताता है
कि साल का वीक क्या है। ओके, इस साल का वीक बताता है, अगर आप इसमें डेट ले लिया बताता है साल का कौन सा वीक चल रहा है, तो आपका वीक का फॉर्मूला। उसके बाद यहां पे आपके सामने डेट वैल्यू का फॉर्मूला होगा। अगर डेट टेक्स्ट में है तो अगर आप यहां से तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, बट आप पूरे कॉलम को कन्वर्ट ना करना चाहें तो आप डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएं और डेट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, राइट। उसके बाद जैसे कि यहां पे ई डेट था, यहां पे एक हमारे पे फर्स्ट डेट है, ये आपका लास्ट डेट है। ये फर्स्ट डेट क्या करता है, मुझे इसमें डेट डालना है, यहां पे आज टुडे डाल देता हूँ, आज ही का डेट। एक्सप्रेशन में माइक्रोमक्स से किसी ने ज्वाइन किया है क्या? ये बोल रहा है कि आर्गुमेंट फर्स्ट डेट स्पेसिफिक मस्ट बी कॉलम, ठीक कॉलम नंबर देता है, तो यहाँ पे हम एसएस डीएल दे देते हैं। सर इसमें करंट डेट होगा? करंट डेट ट्राई करिए। नहीं करंट डेट तो डाला टुडे, नहीं लिया ये कॉलम चाहिए, कॉलम चाहिए लेकिन इसमें कोई फर्क तो दिखा नहीं मुझे। सर इसमें करंट डेट डाली है, शीट डेट की जगह करंट डेट डाली है क्या फर्स्ट डेट में? अच्छा ओके, शीट डेट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप टुडे ट्राई कर रहे थे ना, टुडे की जगह शायद इसमें करंट डेट चलता है, सी यू आर आर टुडे, टुडे सपोर्ट करता है, इसमें करंट डेट नहीं होता, करंट डेट नहीं, करंट डेट नहीं होता, टुडे ही होता चलता है, और ये इसमें आई थिंक यूज नहीं होता है। अब मैं एक बार मेजर्स में ट्राई करता हूं। फर्स्ट डेट, ओके फर्स्ट डेट का मतलब एक ब्लैंक कॉलम में फर्स्ट ब्लैंक डेट दिखाता है कॉलम में, इसका मतलब ये है फर्स्ट डेट और यहाँ पे डेट। इसका काम क्या बता सर आपको, कि एक कॉलम में आपके सामने डेट लिखे हैं, तो किसी में डेट है किसी में डेट नहीं है, मैंने ब्लैंक है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं एक अलग सीट पे आपको दिखा देता हूँ, मैं दोबारा से इसको फाइल करके दो मिनट दीजिए, मैंने यहाँ पे हमने डेट दे दिया, पहले यहाँ पे नेम और यहाँ पे डेट, ठीक है चलो, और मैं यहां पे इसको लोड करता हूं।
मैं इस पे क्लिक करता हूँ डीटी पे और फर्स्ट डे में मैं यहाँ पे शीट 1 2 इसका डेट ले लिया। आ गया 5 5। हेलो, हमने डेट को यहाँ पास किया था ना, इसलिए इसमें से फर्स्ट डेट को उठा लिया। अब इसमें लास्ट डेट कौन सा हमारा है, तो मान लीजिए लास्ट डेट हमारा ये है 15 5। तो अगर मैं इसको फर्स्ट डे को लास्ट डेट लगाऊं, तो लास्ट डेट में आप देखेंगे कि इसका लास्ट डेट आपको दिखाएगा 15 5। राइट सर। और मान लीजिए कि आपको यहाँ पे मुझे ये दिखाना है कि इसमें से जो पहला डेट है, जो पहला डेट है उसकी मुझे स्टार्टिंग मंथ का चाहिए, मतलब कि इसमें डेट के कुछ डेट लिखे हैं, मुझे इसमें ये देखना है कि कौन सा डेट किस डेट से किस डेट के बीच में, समझे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं पीरियड का, पीरियड PRD, और यहां पे मैं करता हूं डेट, डेट में ईयर, और ईयर में कौन सा यहां डेट डालना है, तो क्या डालेंगे यहां पे डालेंगे फर्स्ट डेट, फर्स्ट डेट, और इसमें हम इसे सी टू का डेट लाग दें। हालांकि इसमें सी टू का डेट डाल दिया यहाँ पे हमने और डेट हमारा क्लोज हुआ। अब यही काम कंटिन्यू हम करेंगे मंथ के लिए, यहाँ पे हमारा कॉमा मंथ आ जाएगा इसमें से, और डे तो फिक्स है हमारा हुआ, राइट। इसमें हम इन्वर्टर कॉमा लगाएंगे टू, राइट। अब सेम प्रोसीजर यहां होगा ईओ मंथ, इन्वर्टर कॉमा एंड परसेंट ईओ मंथ, मतलब कि एंड ऑफ द मंथ इस डेट कौन सा है, तो हमने यहां पे दिया लास्ट डेट, लास्ट डेट। और इसमें डेट कौन सा होगा, SH यहां पर डेट, और मुझे कॉमा जीरो करूंगा ताकि उसी महीने की लास्ट डेट दिखे। कुछ गड़बड़ हुआ है, मैं कर सकता हूँ एक मिनट, ये आपका डेट का ईयर का यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया, ईयर फर्स्ट डेट, मंथ, ईयर क्लोज हो गया। तो
अच्छा एक ब्रैकेट यहाँ पर तो लगा, ब्रैकेट लगा हुआ था, गलती आ गया सर। तो लास्ट डेट क्या करता है कि जो कॉलम का सबसे लास्ट में नीचे, सबसे नीचे जो डेट डला हुआ है वो दिखाता है, और लास्ट मंथ क्या करता है, सॉरी फर्स्ट डे क्या करता है, सबसे ऊपर वाला डेटा को दिखाता है। समझ गए? और कल्पेश जी क्या हुआ, काफी लेट ज्वाइन किया? हेलो, लाइट गई थी। ओके, तो लास्ट डेट एंड फर्स्ट डेट का फॉर्मूला हम आपके साथ डिस्कस किए। अब हम एक काम करते हैं, वो आर्टिकल में आते हैं जो कि हमने बताए थे, और देखते हैं उसमें क्या हमारा लग गया। यहां हम बात कर रहे हैं डेट फंक्शन की। अब यहां पे एक फॉर्मूला यहां पे आता है कि मुझे दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है, लेकिन मुझे ईयर में निकालना है या मंथ में निकालना है या डे में निकालना है, ये मेरे ऊपर चॉइस करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे न्यू कॉलम में डेटेड इफ का फॉर्मूला। जैसे मुझे डिफरेंस चाहिए ईयर में, तो यहां पे डेटेड इफ, डेट डेट डी आई एफ होता है डेट डिफरेंस, और हमारा डेट होगा पहला, हम बोलेंगे कि स्टार्ट डेट क्या है तो हम सीट का स्टार्ट डेट डालते हैं, और एंड डेट क्या है तो मैं वापस सीट का डेज डालते हैं, नहीं डेट डे, और इसको क्लोज करते हैं। लेकिन मुझे इसमें क्या चाहिए, तो यहां आप चूज कर लीजिए कि मुझे इसमें डे चाहिए, आवर चाहिए, मिनट चाहिए, मंथ चाहिए, क्वार्टर चाहिए, ईयर चाहिए। हमने यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट कर लिया, तो एक ईयर में डिफरेंस दे देगा। तो सर मुझे मंथ में करना है डिफरेंस, तो मैं ईयर के जगह पे यहाँ मंथ कर दूंगा, तो मंथ में डिफरेंस देगा कि कितने महीने हो गए। अगर मैं यहाँ पे ईयर में किया, मंथ में किया, क्वार्टर में करेंगे तो कितने क्वार्टर, ये डिफरेंस निकाल सकते हैं आप डे टू डे से। ओके, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि मैं एक्सेप्ट करते हैं हम लोग कि वाईएम कर देते थे तो 28 साल के दो साल के बाद कितने महीने हुए वो पता चल जाता था, बट पावर बीआई में ऐसी सिस्टम नहीं है कि आप कुछ इस तरह की चीजें दे सके। ठीक है सर? हेलो, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस आगे के फॉर्मूला।